सीतापुर में विकास के नाम पर क्या हुआ है? विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। विकास यही जो आपके सामने है यही सब विकास ही है। समस्या कुछ और ही निकल के आ रही है। समस्या ये निकल के आ रही है, अपने कैमरा मैन से कहेंगे वहाँ पे देखिए वो चिमनी से धुआं निकल रहा है। हम अपने कैमरा मैन से कहेंगे कि वो चिमनी दिखाए, उस वहाँ पे एक मील है, वहाँ से जो गंदा पानी निकलता है वो गंदा पानी निकल के रोड से क्रॉस करके और वो सीधे यहाँ पे कब्रिस्तान में आता है। आप देख सकते हैं वहाँ, और ये पानी मतलब रोड को क्रॉस करते मील का ही पानी है पूरा। ये पानी जाता मील का, मोहल्ले का, समस्या मील मोहल्ले का पूरा पानी आता है और मतलब इधर रोड क्रॉस करके, रोड क्रॉस करके उसका कोई बात यहाँ ऑटो खोपड़ी फट गया। तो नमस्कार, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। मेरे पीछे आप ये तीन पिलर देख रहे होंगे, ये पिलर पिछले 15-20 साल से ऐसे ही बने हैं और ये रोड जाती है NH 24 दिल्ली से लखनऊ, ये नेशनल हाईवे है NH 24। लेकिन ये तीनों पिलर ऐसे ही 20-15 साल से ऐसे ही खड़े हुए हैं, ना इनपे मतलब कुछ बना है, ना ओवरब्रिज बनाया गया है और ना रोड बनी है। और बाकी आप देख सकते हैं सरिया ऊपर तक की निकाली गई है, इस पे पोस्टर तक की लग गए हैं, झंडा तक की फहरने लगे हैं, लेकिन इस ब्रिज का कोई निर्माण नहीं हुआ है। और ये नेशनल हाईवे है, यहाँ से ट्रकें निकलती हैं, बसें निकलती हैं, ये चौराहा है एक प्रकार से, यहाँ पे दुर्घटना हो सकती है, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। दिखाएंगे कि वहाँ पे स्कूल्स हैं कुछ, वहाँ से बच्चे निकलते हैं और यही हाईवे यूज करते हैं, इसी हाईवे से अपने अपने घर को अपने घर के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ होटल है, इनसे जानेंगे कि कब से मतलब ये पुल बना हुआ है और काहे नहीं आखिर इसका काम शुरू हुआ है। 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। ये जो ये पिलर बने हैं ये काहे के लिए बने हैं? ये ओवरब्रिज है, ओवरब्रिज के लिए। तो अब तक मतलब इसको कितने टाइम हो गया, मतलब कितने साल से बने खड़े? ये काफी टाइम बसपा की सरकार बने रहे। तो अब बसपा की सरकार होगी, सपा की सरकार होगी, बीजेपी की सरकार होगी और चुनाव हो रहे हैं, लेकिन हमका लगत 15 साल हो गए हैं फिर। हाँ बस सरकार नहीं बने रहा है, हमका पता है। बसपा की सरकार में आप यहीं रहा? नहीं, हम तो रही गांव में यहाँ, लेकिन फिलहाल पता है। अच्छा फिलहाल पता है। जो नेशनल हाईवे है हम रही था अपना, जो नेशनल हाईवे है सरकार बने रहा है, बसपा की सरकार में बने। मतलब 15 साल हो चुके हैं। छब्बीस होगा दिखाई, इसके पहले 1900 का इलेक्शन, पहले इलेक्शन करे पहले 1900 का। हाँ और इलेक्शन अब तो चल रहे हैं, अभी तो इलेक्शन तो अभी चल रहे हैं, सातवें चढ़ के मतदान रह गया। यहाँ कल खत्म है इलेक्शन, हाल इतने खत्म है, 10 का निर्णय आ जाइए। हाँ सरकार बन जाइए। हाँ लेकिन और सिलेंडर पर 200 रुपया ऊपर बढ़े, क्या मतलब है? सिलेंडर पर बढ़ गए 100 रुपया, 200 रुपया, 200 रुपये बढ़ गए। अब किन की काउंट दियो सर? हम तो वोट भैया जहिमा बताओ, हम डारिया ना हो कहिमा डारिया भाई, वो है कमल फूल मंडारिया वाला बताई नहीं भाई बाबू जी, कहीं हेल्प भी हो की जाए। अच्छा आप चाहते ये बताओ, हम खाली इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं ना, कि ये जो तीन पिलर ये खड़े हुए हैं, ये कहाँ से खड़े हैं, कितने टाइम से खड़े हैं? ये कम से कम 12-15 साल हुई के खड़े खड़े, ये काहे यहाँ पर खड़े हैं? इनका हटाओ, इनका अगर अगर या तो बने या तो बनवावा जाए या तो इनको तोड़ के साइड में किया जाए, का लेकिन ये खड़े कहाँ है? कितने साल हुई खड़े हुए बताए जी? 12 साल हुई के खड़े, 12 साल हुई पर काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं, पूरा हाईवे NH 24 है। 10-15 साल से पढ़ाए नहीं, 20 साल से नहीं भाई, जब से भाई पाए मिली तब से वैसे पड़ा, वही सड़क बनी पुरानी कौन बनी नहीं, यहाँ लगा दिया नई तरीक बनी गई, कल बनी है या कल बनी गई आओ का। अभी तस्वीरें दिखाई हैं, यह है नेपालापुर चौराहे से 200 मीटर दूर पे सड़कें यहाँ पे कुछ बहुत खराब बनी है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, अभी हमने आपको वीडियो दिखाई कि ऑटो गिर गया, उसमें सामान जो रखा हुआ है ये देखिए ये ऑटो चालक थे, हमको लग रहा है। कौन थे आप? हम ऑटो चालक नहीं थे, हम ऑटो में बैठे थे। ऑटो में बैठे थे आप, मतलब अपना सामान लेके जा रहे थे? अपना सामान लेके जा रहे थे आप। तो ये सड़कें कितने दिन से, मतलब कैसा माहौल है सीतापुर का? माहौल बहुत गंदा चल रहा है इस समय, यहाँ 3 साल से ये रोड ही नहीं बन पा रही, पता नहीं क्या दिक्कत है। ये मतलब ये क्या ईंटें लगा दी गई है, सड़क बनी ही नहीं है? बस ईंटें लगा देते हैं और गड्ढे होते हैं उसपे बस चुगली रख देते हैं, वो बनती ही नहीं। क्या देते हैं बता लो? ईंटे डाल लेते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, ईंटे डाल लेते हैं काम नहीं करते हैं। हाँ भाई मान लो आरसीसी बनी हो क्या, आगे देख लो भैया खाली ईंटा लगे हैं, ईंटा लगे हैं। ट्रक वाला पलटा आ रहा है, पड़सल और ट्रक पलटा रहा है, ट्रक पलटा रहा है, मतलब इनका कोई देख ना रहा है, कोई देख ना रहा है। सीतापुर में विकास के नाम पर क्या हुआ है? विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है, विकास के नाम पे कुछ नहीं, खाली विकास यही जो आपके सामने है यही सब विकास ही है। कहाँ गिरा है? पानी प्लाईवुड का है, प्लाईवुड वाला जो पानी निकलता है वो रोड पे आता है, रोड पे गड्ढे होते हैं, गिरते हम लोग हैं,
आज गिरा चोट भी हम लोगों का टूटेगा फूटेगा हाथ बहुत टूटेगा क्या करोगे तुम बच गए हाथ टूट जाता तो भाई सीतापुर में ऐसी स्थिति हो चुकी है कि रोडें यहाँ पे खराब हैं इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि यहाँ से लोग गिर जाए तो उसका हाथ टूटेगा मुंह फूटेगा प्लास्टर चढ़वाएगा जाके फिर बाद में लेकिन इसको कोई देखने वाला नहीं है ये पिछले कितने साल तीन साल से रोड ऐसे ही बनी हुई है लेकिन इसको कोई देखने वाला नहीं है ना कोई पिछले साल माननीय सांसद जी ने लेकिन पानी का निकास कोई नहीं है सबसे बड़ी जाती है यहाँ पे पानी भी भर जाता है लोग कह रहे हैं कि यहाँ से जो पड़ोस में मेल बना हुआ है मेल वाला जो है पानी पहाड़ सीधे फेंकता है मेल का जो पानी गंदा होता है इससे बच्चे बीमार होंगे लेकिन इसको मेल वाले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यहाँ पे ये स्टेट हाईवे नहीं है ये नेशनल हाईवे है ये नेशनल हाईवे है लखीमपुर के लिए नहीं ये इंटरनेशनल हाईवे सीधे नेपाल जाता है इंटरनेशनल हाईवे सीधे नेपाल जाता है और ये इंटरनेशनल हाईवे की ये हालत है आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑटो पल रहे हैं मतलब रोड अगर यहाँ पे कोई गिर जाए तो उसका हाथ टूट जाएगा मुंह टूट जाएगा सब कुछ टूट जाएगा मेरे हिसाब से आप इसकी रोडें देख सकते हैं बस इतनी देख लेंगे यहाँ पे हम आपको दिखा रहे थे सड़क का सड़क टूटी हुई थी यहाँ पे लोग अपना मतलब लोग यहाँ पे गिर जाएंगे तो उनका हाथ टूट जाएगा मुंह टूट जाएगा लेकिन यहाँ पे समस्या कुछ और ही निकल के आ रही है समस्या ये निकल के आ रही है अपने कैमरामैन से कहेंगे वहाँ पे देखिए वो चिमनी से धुआं निकल रहा है हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो चिमनी दिखाए उस वहाँ पे एक मील है वहाँ से जो गंदा पानी निकलता है वो गंदा पानी निकल के रोड से क्रॉस करके और वो सीधे यहाँ पे कब्रिस्तान में आता है आप देख सकते हैं वहां से पानी निकलता है रोड से क्रॉस करके और सीधे कब्रिस्तान में आता है जहाँ पे कब्रें गाड़ी जाती हैं यानी जहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है दाह संस्कार किया जाता है यहाँ पे चाचा एक हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने हमको बताया कि ये मतलब कब्रें जो हैं वहाँ पे धस चुकी हैं पानी की वजह से मतलब गंदे पानी की वजह से वहाँ पे धस चुकी हैं क्या नाम हो चाचा और दिखाएं आपको नाम क्या हुआ पहले नाम बताइए इसका आपका हमारा नाम जमील अहमद जमील अहमद तो चाचा जी ये मतलब कब से ये माहौल चल रहा है ये एक साल हो गया है पूरा और ये पानी मतलब रोड को क्रॉस करते मेल का ही पानी है पूरा ये पानी इधर जाता है मेल का और मोहल्ले का सब आता है मेल और मोहल्ले का पूरा पानी आता है और मतलब इधर रोड क्रॉस करके उसका कोई बात यहाँ ऑटो खोपड़ी फट गई आदमियों की खोपड़ी फट गई है उसी मतलब रोड की वजह से पानी की वजह से और यहाँ पे चाचा आप बता रहे थे कि यहाँ पे कब्रें जो है वो मतलब पानी की वजह से धस चुकी है ये सब धसी है ये सब हैं। अपने कैमरामैन से कहेंगे यहाँ पे थोड़ा दिखा दें कि चाचा जैसे बता रहे हैं कि ये यहाँ पे कब्रिस्तान बना हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा चाचा ने बताया कि कब्रें धस चुकी हैं जमीन में तो यहाँ पे अभी भी मतलब दाह संस्कार अभी भी किया जाता है हाँ होता है अभी भी अब पानी इधर नहीं आ रहा है पानी अब कहाँ जा रहा है अब पानी उधरी है जब से ईटा डाल दिया गया है जब से ईटा डाल दिया गया है तब से पानी उधरी है वरना ईटे जब रोड पे ईटे नहीं बिछाई गई थी उससे पहले पानी सब इधरी आता था लेकिन इसको कोई देखने वाला नहीं था वो यहाँ बोलते ही नहीं जिससे बोलो झगड़ा हो जाए तो कोई बोलते ही नहीं जिससे बोलो झगड़ा हो जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ के सीतापुर की बदहाल स्थिति को आप देख सकते हैं कि किस तरह सीतापुर यहाँ पे विकास के नाम पे खाली कागजों में हुआ है सीतापुर में विकास खाली कागजों पे हुआ है और लोगों को ठेंगा दिखाया गया है कुछ नहीं हुआ है सीतापुर में और यहाँ का पानी जो आता है मेल से निकल के वो रोड क्रॉस करके कब्रिस्तान में आता है कब्रिस्तान की जो मतलब जो कब्रें हैं वो मतलब धस चुकी है जमीन के अंदर धस चुकी है जैसा कि चाचा ने बताया है।